हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा यूसेज लिमिट है, तो डाटा यूसेज लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन में, और कैसे अपने डाटा यूसेज लिमिट को आप सेट कर पाएंगे और कैसे फ़ोन में लिमिट लगा सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया है, सिंपली फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में थीम्स वगैरह हैं, सॉरी आपके फ़ोन में जो भी ऑप्शंस है यूसेज का, लिमिट का, तो इसको यहाँ से सेट करते हैं। कनेक्शंस पे जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, फिर आपको इस पे जाना है। तो यूसेज लिमिट को आप सेट कर सकते हैं, जो भी लिमिट आप सेट करना चाहते हैं तो लिमिट भी फ़ोन में लगा सकते हैं। इस पे जाएंगे और डाटा यूसेज की लिमिट को आप सेट कर सकते हैं, जो भी लिमिट लगाना चाहते हैं। तो हम जैसे लिमिट सेट करना चाहते हैं 100 MB, तो ओके करते ही आपकी 100 MB यूसेज लिमिट सेट हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको 1000 MB सेट करते हैं तो 1000 MB भी यूसेज लिमिट में लग जाएगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और सेव कर देंगे तो आपके फ़ोन में डाटा यूसेज की लिमिट सेट हो जाएगी और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी डाटा यूसेज की लिमिट को आप सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, एंड आप चाहें तो डाटा यूसेज को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं और यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो